हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो 2014-15 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। इससे पहले भी मैंने दो सेट जो है जो कि आपके सुपरवाइजर के दो एग्ज़ाम थे प्रीवियस ईयर के, वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इससे आपको इतना ही बेनिफिट होने वाला है कि आपको एक आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है, यानी कि कोई पहली बार अटैम्प्ट कर रहा है क्वेश्चन पेपर को, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी वीडियो, बिकॉज उससे पता चलेगा कि कैसे अटैम्प्ट करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड कुछ भी समझ में नहीं आए देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन सीट जो मिलती है आपको, उसके साथ में आपको एक OMR सीट दी जाती है, इस टाइप से रहती है वो। उसके अंदर आपको क्या रहता है कि जैसे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उस क्वेश्चन में नीचे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, ए बी सी डी करके या फिर ABCD करके। तो उसमें क्या होगा कि मान लो जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर क्या है, ए है। तो ये जो ए वाला जो सर्कल है ना, आप इसे क्या करोगे, पूरा ब्लैक करोगे, पूरा फिल करोगे, ठीक है। तो ऐसे रहता है, जो इसका आंसर होगा उसी उसी को आपको फिल करना है। और एक क्या है कि इसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने चाहिए पहले ही, ताकि फिर क्या हो कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप से करना है। अगर आप सर्कल को इस टाइप से करोगे कि थोड़ा सा करके छोड़ दोगे, तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो राइट नहीं माना जाएगा। और जैसे कि जो आपको लगा कि ये नहीं है, उस पर आप रोंग का ये वाला निशान बना रहे हो, तो ये वाला भी आपका पैटर्न जो है ये गलत है ना ही। तो ऐसा कोई टिक मार्क करना है ना ही, ऐसा कोई टिक मार्क करना है। ओनली इस टाइप से आपको क्या करना है, उस वो जो ब्लैंक सर्कल है उसे क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, एक करेक्ट मेथड है, यानी आप आंसर दे रहे हो, तो ये वाला जो मेथड है ये क्या है, आपका सही मेथड है। देन करते हैं बात जो 2015 का क्वेश्चन पेपर था कि उसमें किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। आपको एक आइडिया लगता है कि किस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं, और ये आप मान के चलो कि आप लास्ट ईयर जितने 5 सालों के पेपर अगर आप देखोगे ना, तो उनमें से आपको 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको रिपीटेड इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो चेन्नई है ना, उसका उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस कौन सा है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी सुपरवाइज़र की क्लासेस इस चैनल पे आ चुकी है, आप वो सब क्लासेस लगा लेना, ताकि जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको फ़ायदा हो, ठीक है। तो बात करते हैं ना कि चने का उत्पत्ति स्थान क्या है। अब उत्पत्ति स्थान क्या होता है कि मतलब कोई भी फसल है वो सबसे पहले कोई ना कोई एरिया के अंदर देखी गई होगी, तभी पता चला कि हाँ ये चने की फसल है और ये इस एरिया में सबसे पहले देखी गई थी। उसके बाद में उसे अलग अलग एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उगाया जाने लगा। तो चने की उत्पत्ति स्थान जो है, यानी कि सबसे पहले चने की फसल को कहाँ देखा गया, तो चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना जाता है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया को माना जाता है। ये देखो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया है। और सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है, सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्र कितना होता है। इसमें क्या रहता है कि अलग अलग रहता है, माइक्रो के लिए, मैक्रो के लिए, वाटरशेड एरिया जो है ना, जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो अलग अलग रहता है। तो ये माइक्रो का पूछ रहा है, तो माइक्रो के लिए कितना रहता है, माइक्रो के लिए जो रहता है ना वो कितना है, 100 से 1000 हेक्टेयर जो है वो क्या है, माइक्रो के लिए आपका एरिया रहता है। देन नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या का सही क्रम क्या है, यानी कि जो हमारी मृदा है या फिर सोयल जो है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, जो छोटे जीव पाए जाते हैं, उनकी संख्या का सही क्रम क्या है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन से जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, और उसके बाद में उससे थोड़ा कम कौन से पाए जाते हैं, फिर उससे थोड़ा कम कौन सा पाए जाते हैं। ऐसे ये क्रम पूछ रहा है कि उसका एक सिक्वेंस बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम, तो अपने को सीक्वेंस बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी नंबर, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सेकंड नंबर पे एक्टिनोमाइसिटीज है, थर्ड पे कौन है, फंगस या फिर फफूंद, और इसमें क्या है, फोर्थ नंबर पे जो अदर सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षण के लिए मृदा नमूना जो होता है, यानी कि जब हम टेस्ट करते हैं तो उस टाइम जो
नमूना जो लिया जाता है उसमें मृदा कणों का आकार कितना होना चाहिए, जो सोयल के जो पार्टिकल होती हैं, जो कण होते हैं, उनका साइज क्या रहता है, तो उनका साइज क्या रहता है, 2 मिलीमीटर से भी कम रहता है, ओके, यानी कि 2 mm से भी कम रहता है, लेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बागवानी कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? तो केंद्रीय बागवानी जो अनुसंधान संस्थान है ना वो कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। और 6th नंबर क्वेश्चन है, कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरोमोन जो ट्रैप जो यूज़ किया जाता है, बीज अंकुरण के कितने दिन बाद यूज़ में लिया जाता है, ये बोल रहा है कपास के अंदर जो बोलवर्म लगता है, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं ना, पिंक बोलवर्म जिसके लिए वो बीटी जो कॉटन है वो निकाली गई थी वेराइटीज़, तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि ये जो बोलवर्म है ना इसको कंट्रोल करने के लिए जो फेरोमोन ट्रैप लगाई जाती हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो ये बोला है कि बीजों के कितने अंकुरण के कितने दिन बाद में इसका यूज़ किया जाता है। तो 6th क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर है 21 डेज़ के बाद, ठीक है, यानी कि 21 दिन के बाद क्या करती हैं, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जाता है? सोयाबीन की जब अपने क्रॉप की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 किलो सोयाबीन से हम 6 से 8 किलो क्या तैयार कर सकते हैं, सोया दूध तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8th नंबर क्वेश्चन कौन सा है, वर्ष 2011-12 के अनुसार तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा था? यानी कि अगर बात की जाए 11-12 की, 2015 का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें पूछा गया था कि 2011-12 के अनुसार बताओ कि जो तिलहन उत्पादन में राजस्थान का जो कौन सा पोजीशन है इंडिया में, यानी कि इंडिया में जो राजस्थान है वो तिलहन उत्पादन में कौन से स्थान पे है। तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सरसों हो गई, ठीक है, तिल हो गया, और जो सूरजमुखी है, ये सब क्या है, तिलहनी फसलें, यानी कि तेल वाली फसलों को क्या बोलते हैं, तिलहनी फसलें। तो राजस्थान की जो नंबरिंग थी ना वो कितने नंबर पे था, राजस्थान 2nd पोजीशन पे था, 2रे नंबर पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौध वृद्धि काल की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन के अलावा अन्य मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, तो अदर फैक्टर के अंदर कौन से हैं, एक जो मृदा में नमी भंडारण क्षमता है ना वो, ठीक है, सोयल के अंदर जो मॉइस्चर जो रहती है स्टोर, उसकी कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में कोशिकीय जल किस वायु दाब पर होता है? ये जब मैंने सोयल की क्लास ली थी जो 1st क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कैपिलरी वाटर था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, उसमें मैंने अलग अलग आपको प्रेशर बताए थे कि ये इस प्रेशर पे रहता है और ये इस प्रेशर पे, तो उसमें ना अलग अलग जो एटमोस्फेरिक प्रेशर्स थे तो वहाँ मैंने बताया था कि इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें इसने पूछा है कि केशिकीय जो जल होता है ना, कैपिलरी वाटर जो होता है, उसमें बताओ कि वायु दाब कितना रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 0.33 से 31, ठीक है, एटमोसफियर जो क्या है वायु दाब इसमें रहता है। 11th नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि आम की बीज रहित किस्म कहलाती है, यानी कि आम की वो किस्म जिसमें बीज नहीं पाया जाता, तो वो किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है, एक सिंधु ही ऐसी किस्म है जिसमें क्या है कि बीज नहीं पाया जाता, वो मिड वाला भाग होता है ना मैंगो का, वो वाला क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है? नींबू जो है तो उसके अंदर एक रोग होता है, कौन सा, सिट्रस कैंकर इसे मेन रोग माना जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ये बोल रहा है कि सिट्रस कैंकर रोग है ना वो किसके कारण होता है, जितने भी रोग होते हैं सबके लगभग के वैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वाहक जो होते हैं कि इसकी वजह से हुआ है, कोई बैक्टीरिया की वजह से होता है, कोई वायरस की, कोई फंगस की वजह से। तो ये बोल रहा है कि नींबू के अंदर जो सिट्रस कैंकर होता है ना वो किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, जैंथोमोनास सिट्राई जीवाणु के कारण, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग है, ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है? जो फल मक्खी है ना वो किसका प्रमुख हानिकारक कीट है? तो आपको ऑप्शन में दिया है पपीते का या फिर बेर का, दो ऑप्शन और भी दिए हैं, खजूर या फिर फालसा का। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको पता ही होगा, बेर का है, ठीक है, जो फल मक्खी है ना वो किसका हानिकारक कीट है, बेर का है। और 14th नंबर जो क्वेश्चन है, अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को कहा जाता है? अनार के अंदर आपको पता होगा 3 बहारें होती है, एक होती है मृग बहार, हस्त बहार और अंबे बहार,
इनमें क्या होता है, अलग अलग बहार में जो क्या है फ्लोवरिंग होती है, यानी कि पुष्प लगती हैं, लेकिन हम एक ही बहार में इसके क्या करेंगे, पुष्प को हम रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में क्या होगा कि जो फल बनेंगे ना वो अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो एक ही टाइम की जो बहार है उसमें हम क्या करते हैं, फलों को लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये पूछा है कि फरवरी मार्च के अंदर मान लो कि जो पुष्पन है हो रहा है, यानी कि जो फूल है वो लग रही है, तो उसे आप क्या बोलोगे, वो कौन सी बहार है, मृग बहार है या फिर हस्त बहार है? तो कौन सी बहार है, इसका राइट आंसर क्या है, वो कौन सी है, अंबे बहार है। और 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो था ना वो कब प्रारंभ किया गया, 205 से 206 के अंदर। और कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है, जो कैंडी बनाया जाता है ना उसमें जो शुगर की प्रेजेंस होती है, पूछ रहा है कि कितनी मात्रा उसकी क्या है कि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 70%, यानी कि 70%। फिर क्वेश्चन है कि जो हिसार ललित जो है ना वो किसकी किस्म है, यानी कि किसकी किस्म है, किसकी वैरायटी है? तो किसकी है, टमाटर की वैरायटी है हिसार ललित। और राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहाँ स्थित है, राजस्थान में जो अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंट है वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे, ढिंडोल के अंदर, जयपुर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है, जो गाजर की एशियाई किस्में हैं, जो एशियाई एरिया में जो किस्में हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है, एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पूसा यमदागिनी जो है वो किसकी किस्म है, तो किसकी वैरायटी है पूसा यमदागिनी? तो इसमें इसने ऑप्शन दिया है कि मूली की वैरायटी है या फिर गाजर की वैरायटी है या शलगम की है या फिर टोमेटो यानी कि टमाटर की वैरायटी है। तो राइट आंसर कौन सा, ये गाजर की वैरायटी है पूसा यमदागिनी। नेक्स्ट बात करती हैं, अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? तो कुल घुलनशील जो पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है, 65% होती है। फिर है लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का कारण होता है, जो लौकी जो होती है कुकरबिट्स जो होते हैं उनके अंदर फूलों का ज़्यादा आना, जो नर फूल जो है मेल फ्लावर जो है उनका ज़्यादा आने का क्या कारण होता है, ज़्यादा लगने का क्या कारण होता है? तो इसका क्या कारण होता है, टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा और नाइट्रोजन की डोज जब ज़्यादा होगी ना, तो उस टाइम क्या होगा, जो नर फूल हैं, जो मेल फ्लावर हैं, वो क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे, ठीक है, उसकी वजह से, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई नाइट्रोजन की वजह से ये होता है। और फिर है पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है, यानी कि कौन सा रसायन है जो कि बेस्ट है? तो इसका आंसर कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड है जो कि बेस्ट है। और फिर है इनमें से विजातीय चुनिए, यानी कि ऐसी कौन सी वैरायटी है, इनमें से ये बोल रहा है कि तीन वैरायटी तो ऐसी है जो कि एक ही क्रॉप की है, लेकिन एक वैरायटी ऐसी है जो कि उस क्रॉप की नहीं है, जो कि इनमें से मैच नहीं करती या फिर उसका अलग यूज़ है, तो आप बताओ उसमें से कौन सी है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या है, हलावी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कौन सा, आम की किस किस्म में उत्तक क्षय विकृति अधिक पाई जाती है? तो आम की किस किस्म में जो टिश्यू वाला ये रोग है ये किसके अंदर ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है, अल्फांजो के अंदर ज़्यादा होता है। और फिर है वल जो फल वृक्ष जो हम लगाते हैं, ट्रीज जो लगाए जाते हैं, के लगाने की जो षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं? तो कितने परसेंट अधिक लगाए जाते हैं, 15%? ये 2 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो 2019 का आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कि खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है, यानी कि डेट पाम की कौन सी किस्म है जो कि देर से पकती है? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, यानी कि मेड जूल है। और फिर है फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होती है? फूल गोभी के अंदर जो भूरी गलन जो रोग लगता है, व्याधि जो होती है, वो कौन से एलिमेंट या तत्व जो न्यूट्रेंट की कमी की वजह से होता है, कि कौन से न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है तब फूल गोभी के अंदर भूरी गलन व्याधि लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बोरोन, यानी कि जब बोरोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, ये वाला रोग देखने को मिलता है गोभी के अंदर। फिर है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो कहाँ पे है? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर है। और फिर है राजस्थान में सोनामुखी या फिर जिसे स्नाय बोला जाता है कि खेती प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि कौन से क्षेत्र में की जाती है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सोनामुखी या फिर स्नाय की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है, जोधपुर के अंदर की जाती है। फिर है बकरे के मांस को क्या कहते हैं,
जो एनिमल हस्बेंड्री की आपकी क्लास आई हुई है उस क्लास को देखना, उसमें है ना जितने भी अपने एनिमल सिलेबस में हैं उनके अलग अलग हैं, जिसमें आपको ये भी पूछा जाता है कि इसके यंग काफ को क्या बोला जाता है, यानी वयस्क बछड़े को क्या बोलते हैं, इसके मास को क्या बोला जाता है, इनके झुंड को क्या बोला जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन जरूर रहता है इनमें से। तो इसने पूछा है कि बकरे के मांस को क्या कहा जाता है, तो बकरे के मांस को क्या बोलते हैं, चैवन बोला जाता है बकरे के मांस को। फिर है टैटोइंग जो है वो क्या है, ये बोल रहा है टैटोइंग क्या है, तो टैटोइंग क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो टैटोइंग क्या है, एक तरीका है पशुओं को पहचानने का, ठीक है, पहचान बनाने के लिए टैटू बनाए जाते हैं उनकी बॉडी पे, किस लिए, पशुओं की पहचान करने के लिए, ठीक है। फिर है कि दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है, तो इनमें से कौन सी है जिसको खेत में काम करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है और दूध के लिए भी उसे पाला जाता है, तो ऐसी कौन सी ब्रीड है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, थार पार्कर है वो। और 34th नंबर क्वेश्चन क्या है कि भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कौन सा है, तो सूरती नस्ल जो है ना उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, गुजरात है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, यानी कि इसने चार रोग दिए हैं, चेचक, अतिसार, रानीखेत और निमोनिया। ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसा रोग बताओ जो कि विषाणु की वजह से होता है, विषाणु के कारण फैलता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, निमोनिया जो है वो क्या है, एक विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित रोग है। फिर 36 नंबर की बात करेंगे, रानीखेत जो रोग है वो किससे संबंधित है, यानी कि भेड़ बकरियों का है या फिर कुक्कुट का है या फिर गाय व भैंस का है या फिर सूअर व घोड़े का है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कुक्कुट से रिलेटेड है रानीखेत। फिर है कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि इन चारों में से किसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, तो किसका यूज़ नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट का। और फिर है सवाई चाल एवं तेज़ दौड़ने वाले बैल होती हैं, यानी कि कौन सी नस्ल के होते हैं, जब आपकी काऊ की ब्रीड कंप्लीट हुई थी उसमें मैंने आपको एक ब्रीड का बताया था कि ये इसका मेन फीचर है, इसलिए जानी जाती है कि सवाई चाल के लिए इसे जाना जाता है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी है, उसका राइट आंसर है नागौरी। नागौरी नस्ल के जो बैल हैं वो क्या है, सवाई चाल व तेज़ दौड़ने वाले बैलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कि मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय है, जो मादा पशु जो होती हैं उनका गर्भधारण का, यानी जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका उत्तम टाइम यानी बेस्ट टाइम क्या रहता है, कितने टाइम में हो सकते हैं वो फर्टाइल, तो उसके लिए उसने अलग अलग टाइम देके हमसे राइट आंसर पूछा है, तो 12 से 18 घंटे तक, ठीक है, मध्यकाल में जब मध्यकाल चल रहा होगा तो 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नवजात बछड़े या बछड़ियों को पिलाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या पिलाना चाहिए, उन्हें खीस पिलानी चाहिए। और फिर है गाय भेड़ बकरी में इंसाइजर दांत, जो जिन्हें कृंतक बोला जाता है, होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, केवल ऊपर के जबड़ों में या फिर नीचे के जबड़ों में या दोनों, यानी कि ऊपर व नीचे दोनों के जबड़ों में, या फिर ये बोल रहा है कि जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन से वाला है, केवल नीचे के जबड़ों में ही पाए जाते हैं। फिर है गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है, गाय जो होती है ना उसके दूध में फैट की मात्रा कितनी होती है, तो फैट की परसेंटेज कितनी पाई जाती है, 4 से 5%, ये एवरेज बता रहा है। फिर है कि मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है, यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पेन की है। और फिर है हमारे देश में पशु प्राय किन रोग से मरते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर कौन से रोग से पशु जो हैं वो सबसे ज़्यादा मरते हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों ही रीजन से, असंतुलन और अल्पाहार से भी, दवाई व चिकित्सा के अभाव से भी और परजीवियों के प्रकोप से भी, तीनों ही रीज़न जो हैं इनसे पशु मरते हैं। फिर है कि ट्रोकार या फिर कैन्यूला किस रोग से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर है जो टिम्पेनाइटिस जो होता है, जिसे आफ्रा बोला जाता है, उससे रिलेटेड है। फिर है कि जो टिम्पेनाइटिस जो आफ्रा होता है वो रोग है, यानी किससे फैलने वाला, जीवाणु से या विषाणु से या फिर फफूंद से या फिर आहार जनित, ये किससे होता है, आहार जनित रोग है, आहार से होता है, पाचन क्रिया सही ढंग से नहीं होने की वजह से होता है। फिर है कि कुक्कुट पॉक्स जो है वो जनित रोग है, यानी कि किससे होने वाला रोग है, तो फफूंद से होता है या फिर वायरस से होता है या जीवाणु से या फिर प्रोटोजोआ से, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, विषाणु से, यानी कि वायरस
से होने वाला रोग है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सी भेड़ के सींग छोटे व जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं, तो कौन सी भैंस के होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है कि सूरती है या फिर कौन सी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, मुर्रा, जिसके जलेबी आकार के सींग होते हैं, ये इसका मेन फीचर है। फिर है कि पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमि नाशक दवा पिलानी चाहिए, तो ये बोला कब पिलानी चाहिए, उसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो इसका है कि एक साल में 2 बार पिलानी चाहिए। फिर है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि दूध जब दोहन करते हैं निकालते हैं तो उसमें कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे कि दूध का दोहन करना चाहिए, निकालना चाहिए, तो उसमें कौन सा मेथड है जो कि बेस्ट है, पूर्ण हस्त विधि, पूरे हाथ का यूज़ करना चाहिए। फिर है कि कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि है, यानी कि कम एरिया के अंदर हमें चावल की नर्सरी तैयार करनी है, तो उनमें से इनमें से बताओ चारों में से कौन सा मेथड बेस्ट है जिसमें हम कम एरिया के अंदर नर्सरी जो है वो तैयार कर सकते हैं, तो डेपोग मेथड में कर सकते हैं, टाइमिंग भी कम लगता है। फिर है सुगर केन जो कि गन्ना है, में प्रयुक्त सुगर शब्द किस भाषा से लिया गया है, ये सुगर केन की जो फसल हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, संस्कृत भाषा का एक शब्द है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन दिया गया आपको संस्कृत भाषा का है। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन, पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है, तो पूसा जॉइंट किसकी किस्म है, बरसीम की किस्म है पूसा जॉइंट। और फिर है जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है, जैविक मृदों में कितनी मात्रा होती है जैविक पदार्थों की, तो 20% से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर। फिर है राष्ट्रीय जैविक खेती जो संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है, तो गाजियाबाद के अंदर है। और चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम विष चूगा बनाने के लिए जिंक फॉस्फाइड की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, यानी कितनी मात्रा का यूज़ किया जाता है, तो 20 ग्राम 20 ग्राम का यूज़ किया जाता है। और सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है, यानी कि जहाँ पे सूखा है वहाँ पे हम ज्वार की कौन सी किस्म को लगा सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे हमें प्रोडक्शन भी मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, यानी कि CSB 17। और फिर है वर्ष 2011-12 के अनुसार दलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था, पहले ऊपर तिलहन में पूछा था, सेकंड पोजीशन थी, 2011-12 की बात कर रहा है, डेटा चेंज होते रहते हैं, और अभी इसने पूछा 2011-12 में कि दलहन के अंदर जो दलहनी है जैसे कि चना हो गया, मटर हो गई, ये सब क्या है, एक दलहनी फसल है, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन थी, तो कौन सी थी, थर्ड पोजीशन, तृतीय स्थान पर था राजस्थान भारत के अंदर। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरक में बैक्टीरिया की CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर कौन सा है, सी नंबर जो है आपका इसका राइट आंसर है। और फिर है नाशी जीवियों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किससे नुकसान होता है, खरपतवारों से, यानी कि ऐसे पौधे जिन्हें हम ग्रोथ नहीं करते हैं और फिर भी क्या होता है कि वो अपने आप से उग जाते हैं। मान लो हमने बरसीम की खेती की, हमने सभी बरसीम के प्लांट लगाए, उसमें कहीं रिचके का जो प्लांट उग चुका है या फिर कहीं गेहूँ का या फिर कोई हिरणखुरी वगैरह ऐसा कोई वीड निकल, ऐसा कोई प्लांट निकल आया है, तो उससे क्या होगा कि जब हम हार्वेस्टिंग करेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, उनके सीड जो है वो मिक्स हो जाएंगे तो हमें अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे, और भी बहुत लॉसेज हैं कि जब बरसीम अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर रही होगी तो ये बाकी जो प्लांट है क्या करेंगे, न्यूट्रेंट वगैरह के लिए इसके साथ में कंपटीशन करेंगे, जिससे क्या होगा, इसे अपना जो न्यूट्रेंट वगैरह है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको ऐसे लगे कि हाँ जो मैं करवा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, देन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।